हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ब्लाउज नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। जो पाइपिंग बनाया है मैंने ओनली उसको, ये देखिए ब्लाउज का लेंथ लिया है 10.5 इंच और विथ है 2.5 इंच। मार्क लगाया है और इसको स्ट्रेट मार्क लगाएंगे। इसी में हमें डिज़ाइन बनाना है। अब मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, देखिए मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, देखिए। अब हम इस डिज़ाइन को कट करेंगे और ये डिज़ाइन हम लाइनिंग में ही बनाएंगे और लाइनिंग को ही सबसे पहले कट करेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा होगा उस पर हम पहले कट नहीं करेंगे, लाइनिंग वाला सही रहेगा कट करने के लिए। ये देखो मेन कपड़ा जो है ऊपर वाला, उस पर हम इसको अटैच करेंगे लाइनिंग को। इसके लिए सबसे पहले ऑल पेन लिया है मैंने, जैसे कि नेक हमारा साइड में ना हो। और लेफ्ट साइड सबसे पहले थोड़ा स्टिच करेंगे, जैसे कि नेक हमारा साइड में नहीं होगा। अब राइट साइड से इसको स्टिच कर देंगे। लेफ्ट साइड स्टिच करने से क्या होता है, ये थोड़ा हमें बनाने में बहुत इजी होता है, नेक और इजी और आसानी से हमसे स्टिच हो जाता है। देखिए ये स्टिच हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। जो मेन कपड़ा है हमारा, ये देखिए, ये कट हो गया है हमारा कपड़ा। अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने पाइपिंग के लिए क्रॉस पट्टी ली है, इसकी इसका विथ है 2 इंच। ये मैंने डबल लिया है कपड़ा, डबल से पाइपिंग बना रही हूँ मैं। सिंगल से बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डबल से इजी बनती है पाइपिंग। तो आप भी जैसे ही फर्स्ट बार में ही ट्राई करोगे तब भी अच्छे से बैठ जाएगी पाइपिंग, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो। और वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखो थोड़ा इसको लाइट ही खींचना है हमें, ज़्यादा टाइट नहीं लेना है इसको। ज़्यादा टाइट लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट लाइट लेना है। देखो कैसे फोल्ड करना है इसको। जब जो ये गैप है उसको कवर करना है बैक साइड से हमें। इसको अच्छे से इसको खींचते हुए लेना है, थोड़ा थोड़ा स्टिच करना है पाइपिंग को। और बैक साइड इसी कपड़े में कवर होना चाहिए हमारा पूरा। देखिए पाइपिंग कितना अच्छे से बन रहा है। पाइपिंग बनाते समय हमें थोड़ा थोड़ा स्टिच करना है, और ज़्यादा स्टिच करेंगे तो पाइपिंग हमारी बैठेगी नहीं और ना ही पाइपिंग अच्छी आएगी। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा स्टिच कर रही हूँ। इसको फिंगर से बाहर वाला जो गैप है उसको कवर करते जाना है हमें। देखिए ये हमारा पाइपिंग हो गया है। ये हमारा पाइपिंग से नेक तैयार हो गया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी सबसे पहले इसके टक लगा लेते हैं। 5 इंच लेंथ लिया है, दोनों साइड मार्क लगाया है। स्टिच करेंगे 1/2 इंच स्टिच लेंगे इसका। मैंने 1/2 इंच लिया है इसका स्टिच। देखिए इस साइड से भी हम नीचे एक पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी लगाने से क्या होता है, ब्लाउज हमारा बैक साइड से ऊपर नहीं होता है, तो पट्टी लगाएंगे तो अच्छे से
अच्छे से सेट होता है और कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा ब्लाउज हमारा पट्टी लगाने से, इसलिए हमें ब्लाउज में नीचे पट्टी लगाना चाहिए पहले। देखिए इस तरह से पट्टी लगाना चाहिए, इसको ऐसे फोल्ड करना है। जो ये पट्टी को फोल्ड करेंगे उस पे हमको हेमिंग करना है बाद में, ये हमारी रफ स्टिच होती है। ये देखिए हमारी पाइपिंग दे बैक साइड से देखिए कितने अच्छे से शो हो रही है, ये पाइपिंग ये देखिए फिर से एक बार। और अब हम इसके लिए डिज़ाइन बनाएंगे, 2.5 इंच और 2.5 इंच लंबाई इंटू चौड़ाई, मैंने 2.5 इंच लिया है। और जो ऊपर जो ये कपड़ा है ऊपर वाला उसके नीचे अस्तर भी लिया है, जिससे क्या कैनवास शो नहीं होगा, नहीं तो ब्लू कलर है तो इसमें कैनवास शो होगा नीचे, तो इसके लिए हमें पहले से लाइनिंग भी लेना चाहिए। ये अटैच किया है रफ स्टिच करके, जिससे लाइनिंग और वो कपड़ा एक साथ सेट हो जाए, नहीं तो क्या अलग अलग हो जाएगा वो कपड़ा। हम पाइपिंग लगाएंगे, ये देखिए जहाँ पे कॉर्नर आता है हमें नीडल नीचे की साइड में रखना है, जिससे क्या इसको साइड फोल्ड करते समय अच्छे से फोल्ड हो जाता है। ये कॉर्नर के किस हिसाब से हो रहा है, ये देखिए कॉर्नर अच्छे से हो गया है इसमें। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे यहाँ से। ये पाइपिंग भी मैंने डबल कपड़े में ली है, ये देखिए कॉर्नर कितने अच्छे से हुआ है। ये हमारा कॉर्नर अच्छे से सेट हो गया इसमें। ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। डिज़ाइन को हम मिडिल साइड में लगाएंगे इसमें। डिज़ाइन को इस पे ब्लाउज पे रख के पहले एक आलपिन लगा देंगे, उसके बाद इसके चारों साइड में हमें स्टिच करना है। आलपिन इसलिए लगाएंगे कि हमारी डिज़ाइन साइड में ना हो और हमारा ये स्टिच भी अच्छे से हो जाए। ये देखिए स्टिच हो गया है। अब बटन बनाएंगे, एक रफ बटन लिया है मैंने, हमारा कोई भी पुराना बटन हो उसको हम पिंक कलर के कपड़े में लेके मैं बटन बनाना बता रही हूँ। देखो ये देखिए हमारा बटन बन रहा है, ये हमारा बटन बन के तैयार है। ये देखिए को लास्ट वीडियो में बताया था, देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है ब्लाउज नेक। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।